क्लास में HRM के बाद हम कर रहे हैं वाजवर का प्रयोग, यूज ऑफ वाजवर। तो वाजवर का प्रयोग एक तो कौन से काल में होता है, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। भूतकाल में किसका प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का कब करते हैं, वर का कब करते हैं, तो वाज का प्रयोग कब करते हैं, एक वचन कर्ता ही, शी, इट, दिस, दैट, मोहन तथा आई के साथ, था, थी के उच्चारण में करते हैं। जब तक नियम याद नहीं रखेगा अपने को तो वाक्य नहीं बना सकते हम कि कब प्रयोग करना है। वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता वी, दे, दीच, दोच तथा यू के साथ, थे के उच्चारण में करते हैं। यानी अपने को पूछ ले वाजवर का प्रयोग कब होता है, तो हम कहेंगे पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में होता है। भूतकाल में भी कब होता है, जब था या थी का उच्चारण आए तब किसका प्रयोग करना है, वाच का। ठे का उच्चारण आए किसका प्रयोग करना है, वर का। और एक वचन करता ही होगा, सी होगा, इट होगा, दिस होगा, किसी का नाम होगा तथा आई होगा, उसके साथ किसका प्रयोग करना है, वाच का। वो वचन करता वी हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया या यू हो गया, इसका किसका प्रयोग करना है, वर का। वाच और वर उच्चारण भी ध्यान रखें इनका। जैसे वाक्य देखें, वह पतला था, तो था का उच्चारण आ गया एक, वह के लिए हम क्या कहेंगे, ही था, भूतकाल में आता है, ही आ गया, ही के साथ किसका प्रयोग करना है भाई, वाच का करना है, तो ही वाच। पतले को क्या बोलते हैं, थिन, THIN, थिन। तो इस तरह वाक्य को हम करते हैं, वे खिलाड़ी थे, तो थे आ गया, इसका मतलब कौन सा काल हो गया, भूतकाल हो गया। वे को क्या बोलते हैं हम, ये ध्यान रखना है, वे को THEY, दे बोलते हैं, दे के साथ किसका प्रयोग करना है, वाच का, वर का, वर का, दे वर। खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, प्लेयर्स, देवर प्लेयर्स, वे क्या थे, खिलाड़ी थे। तुम एक गायक थे, तुम एक गायक थे, तो तुम को क्या बोलेंगे हम, यू, यू के साथ वाद्यावर, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो यू वर। एस गायक को क्या बोलते हैं, सिंगर। पहचाना कैसे, कौन सा काल है, भूतकाल है। कैसे पहचाना, था थे का उच्चारण कौन से काल में आता है, भूतकाल में आता है। ए ही हूं का उच्चारण किस में आता है, वर्तमान काल में आता है। मैं एक खिलाड़ी था, मैं एक क्या था, खिलाड़ी था। मैं का प्रयोग किस के लिए किसके आता है, आई, आई के साथ किसका प्रयोग करना है, हमने कहा ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम या आई हो, उसके साथ क्या लगाना है, वाच। कब लगाना है, जब उच्चारण किसका आए, था या थे का उच्चारण आए, भूतकाल होगा, आई वाच। एक खिलाड़ी था, तो आई वाच ये क्या आ गया, प्लेयर। मैं एक क्या था, खिलाड़ी था। तो इससे आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बस अपने को वाच और वर का ध्यान रखना है कि वाच का प्रयोग किसके साथ करना है और कौन से उच्चारण में करना है, और वर का प्रयोग किसके साथ करना है, कौन से उच्चारण में करना है, इनको आपको आना चाहिए। वाक्य आप आराम से खुद ही बना सकते हैं, बस सब्जेक्ट के ध्यान रखो कि सब्जेक्ट एक वचन आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, एक वचन के साथ क्या लगाना है, बहुवचन के साथ क्या लगाना है, तो ये आप अपनी कॉपी में उतारें। धन्यवाद।